नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी की। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजन एंड ट्रांसमिशन के क्या ऑप्शन मिलेंगे, लुक्स कैसा मिलेगा आपको, लॉन्च कब होने वाला है नई टाटा सफारी का, प्राइस क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों, टाटा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, अपने यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा वीडियो अपलोड करा था जिसमें टाटा सफारी के पुराने जनरेशंस के वीडियोस थे, थोड़े से फोटोज़ थे, इसके बाद लास्ट में एक रेंडर्ड इमेज थी। अगर उस रेंडर्ड इमेज को हम ध्यान से देखें तो इट इज़ ऑफ टाटा ग्रेविटास। तो बेसिकली टाटा इज सेइंग कि जो टाटा ग्रेविटास है वही टाटा सफारी रहने वाली है। तो टाटा ग्रेविटास बेसिकली इज़ टाटा हैरियर विद 7 सीट्स एंड थोड़ी सी बड़ी बॉडी। तो गाड़ी में आपको जो इंजन एंड ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, 4 सिलेंडर, जो कि आपको टाटा हैरियर में देखने को मिलता है विद 170 हॉर्स पावर। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाले ऑटोमेटिक का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं गाड़ी के लुक्स की। तो फ्रंट से जो गाड़ी है वो बिल्कुल टाटा हैरियर जैसी दिखती है, इंटीरियर भी सेम ही है। इसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं रियर एंड में गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ा सा जो है टॉल स्टांस है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसके साथ। लॉन्च की अगर बात करते हैं तो जो लॉन्च है इस गाड़ी का वो जनवरी में ही रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं प्राइस की। तो बेसिकली ये गाड़ी इट्स टाटा हैरियर विद 7 सीट कॉन्फिगरेशन, तो जो प्राइस है वो थोड़ा सा प्रीमियम रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू टाटा हैरियर। प्राइस परफेक्ट कितना रहने वाला है वो तो लॉन्च के बाद ही पता लग पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।